वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ रिबा वैस। दिस इज़ मेरी रिबा वैस। जैसा कि आपको बताया कि कल सारे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और इसलिए मैं भी अपना बैग पैक कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा बैग को इतने देर से छेड़ा ही नहीं था। मैं करती हूँ बैग पैक और आपको भी दिखाती हूँ। यार मेरी सिस्टर की पुरानी बुक्स हैं और इनको अब हम रद्दी में देने जा रहे हैं। बुक्स दे आए थे और 4 kg वेट बना था और उसके हमें मिले हैं 220 रुपीस। इनसे तो कोई स्टेशनरी आइटम नहीं आएगी, पर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। और मैं आके आपको दिखाती हूँ कि क्या आया। स्टेशनरी आइटम्स भी ले आई हूँ मैं। क्या लाई हूँ? बोर्ड मार्कर लाई हूँ और अपने लिए एक छोटा बोर्ड भी लाई हूँ। और मैं लाई हूँ ये इरेजर्स और मैं लाई हूँ ये स्पीकर्स और मैं लाई हूँ ये शीट्स जिनको मैंने असेंबल कर दिया है। और अब पूरे बैग को असेंबल करते हैं। और एक मैं ये भी लाई हूँ ब्लैक टेप और एक स्केल। अब इसको करते हैं असेंबल। इसमें मैं अपने सारे कार्ड्स रखती हूँ तो मैं मामा को फोटो देती हूँ, वो भी इसी में। ये मैंने दिया था पापा को जब पापा आए थे। ये मैंने अपनी बहन को दिया था, भी अपनी बहन को दिया था। ये मुझे मिला था, ये भी मुझे मिला था। और ये मैंने अपनी बहन को दिया था। ये मेरी और मेरी खाला की पिक है। ये भी मैंने अपनी, ये मुझे मिला था। और ये मेरी खाला की आर्ट है, काफ़ी अच्छी बनाती है। और ये हैं शीट्स और ये मैंने अपनी मामा को दिया था। और बस अब इसमें से मैं अपनी ज्योमेट्री ढूंढती हूँ, इस बुक्स के ढेर में से मेरी ज्योमेट्री का। ये लगी मेरी ज्योमेट्री। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ज्योमेट्री में क्या क्या और क्या क्या रखा है। दिखाती मेरी ज्योमेट्री में क्या है। ये मेरी ज्योमेट्री और इसके सबसे बड़े वाले पोर्शन में कुछ सामान है। देखते हैं कौन सा सामान है। खाली हो जा, 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 खाली हो गया। सबसे पहले मेरे पास है ये पेन, ठीक क्यूट सा पेन है। ओके, मेरे पास ये ब्लू पॉइंट जेल पेन है, ब्लैक जेल पेन है, एक ये ब्लू पॉइंटर है और ये पेन है, बॉल पॉइंट्स हैं, इंक पेन्स हैं जिनसे लिखना होता है, रिमूवर्स हैं और भी इंक पॉट है, इंक पॉट, पेंसिल, शॉर्पनर। मेरे पास ये वाला शॉर्पनर है और मेरा दूसरा शॉर्पनर ये वाला शॉर्पनर है, दोनों येलो। और मेरे पास दो ये इरेजर्स हैं। मैं आपको बाकी के शॉर्पनर और इनके साथ हमारा बैग हो चुका है एकदम पैक। और मैंने इस पर किचन भी ऐड कर ली है, ये वाली और ये। मैं आपको दिखाती हूँ बैग में क्या क्या है, किस किस जिप में है और कैसे कैसे है। तो नहीं, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी, मैंने थोड़ी बहुत रखी हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। ये मेरा सेक्शन है बुक्स वाला, तो मैंने बुक्स रखी हैं और ये पीछे अपने फोल्डर। यार इतना अंधेरा आ रहा है, इसको और खोलना पड़ेगा। ये रखो, बुक्स हो गई। और इस वाले में मैंने रखी हैं कॉपीज, मेरी दादी कॉपीज और बुक्स हैं। और ये सबसे बड़े वाले में स्टेशनरी रखी है, सबसे बड़ा बुक्स वाला है स्टेशनरी आइटम। इस वाले में है यहाँ पर ये मेरा पेन होल्डर पड़ा है और ज्योमेट्री और रजिस्टर सब कुछ इसमें है। और इस वाले जिप में मैं रखूँगी लंच। और इसमें मैंने रखा हुआ है स्टैम्प, छोटी बुक्स और ये मैंने मार्कल्स के अंदर से लिख रहा था ये कलरिंग पैड। तो ये मैंने रखा हुआ है जब मैं बोर हूँ स्कूल में तो मैं इसमें कलर कर लेती हूँ। और कुछ कर भी नहीं है, मतलब ड्रॉ कर ली है चीज़ें कुछ। ओके, तो अभी हम लोग क्या खाने लगे हैं, अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। हम किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बन। आप लोगों को पता नहीं है पर मैं फादू हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट, और वो गेस्ट हैं ये। और अभी हम लेंगे इनका इंटरव्यू क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। जी आपका नाम क्या है? साइरा। आप कौन सी क्लास में हैं? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर कौन सी सब्जेक्ट का? FSC प्री मेडिकल। अच्छा, आपने डॉक्टर बनना है? इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप लैब में जाती होंगी, वहाँ पर कॉकरोचेज होते होंगे। वो भी शुरू करना है, अभी सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है। तो आप वाकई करेंगी? चलो ये तो करेंगी, पर मुझे तो कॉकरोच से एलर्जी है। मेरा पता नहीं क्या होएगा, बनना तो मैंने भी डॉक्टर ही है। अभी हम अभी अब आप मेरा इंटरव्यू लें।
व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ रिबा वैद। अब आप मेरी ख्वाहिश पूछें। आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी ख्वाहिश है। प्लीज़ मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। दिस फिल्टर इज़ वेरी क्यूट। ओह माय गॉड, ज्वेलरी की पूरी दुकान। लग रहा है पूरा शोरूम मैंने पहन लिया। आपको दिखाती हूँ मेरी मामा शवारमे को असेंबल कैसे करती है। शवारमा असेंबल कैसे होता है? सबसे पहले इसके ऊपर लगेगी टोमेटो सॉस, होममेड शवारमा है ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। आप पहले इसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से। ओके, अभी स्प्रेड हो गई है। अब इसके ऊपर लगेगा चिकन। वाओ यम्मी मसाला चिकन। अब इसके ऊपर रखे जाएंगे कुकुम्बर्स। अब इसके ऊपर डलेगा रायता। काम करो कोक भी इसी के अंदर डाल दो, आसानी आएगी मुझे खाने में। ओके, अब ये होएगा फोल्ड। और ये फोल्ड किस तरह से होता है वो आप यहाँ पे देखें। ओ वाह, मुझे भी आज पता चला, वरना मुझे तो लगा था सीधा कर देते। और ये बन गया मेरा शवारमा। तो अब क्या है, मुझे नींद ही नहीं आने वाली आज, क्योंकि मुझे स्कूल जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग है। मेरा इतना दिल कर रहा है, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया था कि मेरा दिल कर रहा है स्कूल अब भी खुल जाए। वो कहती पागल का नहीं हो, पर मुझे वापस स्कूल जाने का बहुत दिल कर रहा है। और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि स्कूल खुल रहे हैं, फाइनली मैं स्कूल जाऊँगी। और अभी इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अब आपको मिलेगा कल व्लॉग देखने के लिए। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैंने आपको ब्लॉग क्राफ्ट की आईडी बताई है, उसको भी प्लीज़ लाइक करें।